वे सरकार की चालाकी देखिए भाई, यानी इंडियन वैक्सीन है ना कोविशील्ड को, उसको भी उन्होंने विश्वास नहीं करना है उनको, वरना तो ये बोल सकते थे ना कि जिन्होंने इंडिया में वैक्सीन लिया आ जाओ, क्योंकि इसमें कितने लोग कट जाएंगे, मुझे लगता है 50% लोग तो यूं उसी में रह जाएंगे। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई के बारे में। जी हाँ भाई, दुबई की फ्लाइटों के बारे में बात करेंगे डिटेल से, क्योंकि आपको पता है दुबई की फ्लाइटें स्टार्ट कर दी गई हैं, ये हैं 5 अगस्त यानी आज की डेट से। जी हाँ, बहुत सारे लोग खुश हो रहे थे, नीचे कमेंट भी कर रहे थे, ये देखिए सर फ्लाइट स्टार्ट हो रही है, लेकिन अभी भी कन्फ्यूज़न बहुत सारे लोगों के साथ में आ रहा है, विजिट वीज़ा वालों को लेके, वर्क परमिट वालों को लेके, कौन से लोग जा पाएंगे कौन से नहीं जा पाएंगे, बड़ी प्रॉब्लम है। माइंड में लोगों के सेट हो गया है कि वर्क परमिट वाले जा सकते हैं आज तक, यानी थोड़े टाइम पहले तक की, लेकिन इसमें भी एक अपडेट आ चुका है। जी हाँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे, ठीक है जी, और ICA GDRF आपको अप्रूव लेना पड़ेगा, इससे रिलेटेड बात करेंगे, कौन लोग बिना वैक्सीनेशन जा सकते हैं, कितनी फ्लाइटों के अभी पैसा कितना लग रहा है, डिटेल से हम जानेंगे। 8-10 मिनट का वीडियो हो सकता है, पूरी डिटेल अगर आप देख लेंगे तो आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है सबके आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो साथियों लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए भाई, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको वीआई से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर ले, सबसे पहले बात करते हैं भाई वीआई सरकार ने आखिर कुछ हद तक दबाव में आने के बाद में 5 अगस्त से फ्लाइटें स्टार्ट कर ली हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को मैं भी न्यूज़ देखता हूँ, कोई भी वीआई सरकार के खिलाफ में कोई नहीं बोलता, क्योंकि लोगों को वहाँ पे रहना है। जो भी लोग वीडियो बनाते हैं न्यूज़ बनाते हैं वो वीआई में रहते हुए बनाते हैं, तो वो लोग वीआई के खिलाफ एक शब्द भी गलत, हाँ थोड़ा बहुत इसमें ये हुआ है वो ऐसे तरीके से, लेकिन वो साफ तरीके से कंप्लेन है उस बात को रख नहीं पाते कि यहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है हम लोगों के साथ में। जी हाँ, हालांकि वे सरकार ने 5 अगस्त को फ्लाइटें स्टार्ट कर दी, 6 वैसे टोटल 11 देश हैं, लेकिन 6 देश हैं उनकी फ्लाइटें हैं, बाकी जो 5 देश हैं उनके लिए ट्रांजिट वीज़ा के लिए व्यवस्था की गई है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, नाइजीरिया, युगांडा, जी ये देश हैं, बांग्लादेश को इसमें शामिल नहीं किया गया है। जी हाँ, इन लोगों की फ़्लाइटें, इन देशों की फ़्लाइटें स्टार्ट हो गई, आपके माइंड में ये बात क्लियर है, सही भी है, हो गई। अब आगे आपको जान लेना ज़रूरी है कि इन जो 6 देशों में हमारे इंडिया के लोग कौन से लोग जा सकते हैं। जी समझ में आया कि वर्क परमिट जिनके वैध हैं 6 मंथ वाले वो लोग जा सकते हैं, तो ये बात भी क्लियर हो गई। लेकिन अभी एक बात निकल के और आई है, क्या आपको पता है इस बात का? पहली बात तो 6 महीने वाले ही लोग जिनके पासपोर्ट में अभी 6 महीने वीज़ा ख़त्म नहीं हुआ, यानी 6 महीने से थोड़ा टाइम पहले, वो लोग दुबई जा सकते हैं। अब आपको एक बात तो फिक्स ये रख लेनी चाहिए कि जो लोग अभी आए हैं 6 महीने के दौरान छुट्टी, वही लोग जाएंगे, उससे पहले वाले लोग हैं वो नहीं जा पाएंगे। जी हाँ, उनमें भी मैं बता दूं कौन लोग जा पाएंगे, जिन लोगों ने दुबई में, वीआई में, पूरी वीआई में दोनों वैक्सीन ली हैं। जी हाँ, दोनों वैक्सीन लगवा के जो अपने अपने देश आए थे वही लोग वापस जा सकते हैं, एक कंडीशन वीआई सरकार ने लागू कर दी, ये आप लोगों के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है, क्योंकि जो लोग इंडिया में बैठे थे बिना वैक्सीनेशन आ गए थे वो भी नहीं जा सकते भाई, समझ रहे बात को, दोनों डोज। एक अभी लोगों का क्वेश्चन हो सकता है, हमने एक डोज दुबई में लगवा ली, एक डोज इंडिया में लगवा ली, कि हम जा सकते हैं, इस पे तो भाई देखिए मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि इसका अपडेट नहीं है, लेकिन अपडेट ये है कि जिन्होंने दोनों डोज वीआई में लगवा के आप इंडिया आए थे, फिर आप 14 दिन के बाद आप जा सकते हैं। अब 14 दिन का क्या मैटर है, मान लीजिए आप वीआई से 4 दिन पहले आए, 5 दिन पहले आए थे डोज लगवा के, और अभी आप सोच रहे हो कि आज ही मैं चला जाऊं, तो आप नहीं जा सकते, कम से कम आपको 7-14 दिन का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप जा सकते हैं। तो माइंड क्लियर हो गया, 6 महीने वाले जिनके वीज़ा वैलिड हैं वही जा पाएंगे, और उसमें भी वही लोग जा पाएंगे जिन्होंने 6 महीने में जो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल आए थे, और वहाँ से दुबई से आप वैक्सीन लेके, टीका लगवा के, दोनों टीका लगवा के आपके पास सर्टिफिकेट लेके आप इंडिया आए हो, तो ही आप वापस जा सकते हो। उनमें भी एक बात और बता दूं मैं, उनमें भी आपको अगर बता दूं, दुबई आप जाना चाहते हैं तो आपको GDRF का अप्रूवल लेना होगा, अगर आप आबू धाबी और शारजा जाना चाहते हैं तो ICA का आपको एक अप्रूवल लेना होगा। जी हाँ, दो हालांकि मैं लिंक नीचे वीडियो के नीचे मेंशन कर दूंगा, क्योंकि ICA और ICA का जो लिंक, जो फॉरम था, फॉर्मेट था जो भरने के वेबसाइट का, उसको मॉडिफाई करके उसमें लंबी सारी लिस्ट डाल दी गई है, उसमें आपको सब कुछ डालना पड़ेगा। आगे क्या क्या डालना पड़ेगा मैं बता देता हूँ आपको, देखिए आपको यहाँ से बहुत लंबा चौड़ा है भाई, बहुत सारे, अरे कुछ नहीं भाई, नॉर्मल सा प्रोसेस है, कैसे नॉर्मल सा प्रोसेस है भाई, हाथ में आ जाएगी फटके, आप पता लगा लेना कितना हार्ड प्रोसेस है, बता देता हूँ मैं आपको। ये नहीं है कि आपका पासपोर्ट, वीज़ा 6 महीना वैलिड है, वैक्सीन भी आपने दुबई से लगवा के आ गए,
ये भी ठीक है, आराम से जा सकते हैं। नहीं, आराम से नहीं जा सकते, आपको बहुत सारी लंबी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। आपको उस एप्लीकेशन में जाना होगा, वहाँ जाके आपको पूरा प्रोसेस भरना पड़ेगा। उस पासपोर्ट में सब कुछ बताया गया है, आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। एयरपोर्ट, आप कौन से एयरपोर्ट, दुबई में कौन से एयरपोर्ट पर उतरोगे, वो उसमें नाम भरना है। आपके पास RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट, जी हाँ, 24 आवर्स मांगी है आपने, दिमाग में बिठा लो भाई, 48 घंटे ही वैलिड है। अगर आप दुबई में जाते हैं तो 48 घंटे पहले की इंडिया से आपके पास कोविड टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। चाहे आपने टीके चाहे 4 लगवा लिए, कोई वैल्यू नहीं है भाई, समझ गए बात को। 48 घंटे की QR कोड वाला आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। QR कोड यानी एयरपोर्ट पे जाते स्कैन करते ही पूरा डिटेल आपके सामने आ जाए, जो ICMR रजिस्टर्ड है ना उसी से वो मान्य होगा, इस बात का भी आपको ध्यान रख लेना चाहिए। तो उसमें जो ICMR अप्रूवल है उसमें ये सब चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी, आपको ये सब कुछ लेना पड़ेगा। आपको टिकट आपका UAE का एयरपोर्ट है वो बताना पड़ेगा, RT-PCR टेस्ट होगा, फिर आपका जिस एयरपोर्ट इंडिया से आप जा रहे हैं उस पर RT-PCR टेस्ट आपका फिर होगा, रैपिड टेस्ट, जी हाँ, समझ में आ रही है आपको, उसकी भी रिपोर्ट आपको लेनी होगी, जो 4 घंटे के अंदर का पूरा प्रोसेस होता है, इसको भी ध्यान में रखना होगा आपको। दोनों डोज इनका पूरा डिटेल आपको ICA जो आप फॉर्म भरोगे ना उसमें पूरा पासपोर्ट नंबर, आपका वीज़ा नंबर, आपका वीज़ा कब तक वैलिड है, आप कब गए थे, यानी वो जैसे जैसे मांगता है वो पूरा डिटेल आपको भरना पड़ेगा, जी हाँ। अब आप देखिए कितना हार्ड है, लोग बोल रहे हैं हार्ड नहीं है भाई। पहले आपको आपको इंडिया से दुबई से आप 2 वैक्सीन लेके आ गए, आपके पास सर्टिफिकेट है, वीज़ा भी वैलिड है, उसके बाद में आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। अप्रूवल में यस होगा तो ही आपको अप्रूवल जा सकते हो आप दुबई, वरना नहीं जा सकते, ठीक है जी। उसके बाद में आपको RT-PCR 48 घंटे का लेना पड़ेगा, उसके बाद आप एयरपोर्ट पर पहुँच जाओगे, रैपिड टेस्ट आपको करवाना पड़ेगा, फिर आप दुबई पहुँच जाओगे, फिर आपका टेस्ट होगा। उसके बाद में आपको वहाँ पर अगर मान लिया पॉजिटिव आ जाते हैं, आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है, तो 10 दिन के लिए क्वारंटाइन करना पड़ेगा। कितना लंबा प्रोसेस है जी, लोग बोलते हैं जी नहीं नहीं कोई प्रोसेस इजी है, एकदम आराम से हो जाएगा, वो तो जो करेंगे ना तब पता लग जाएगा भाई, बहुत हार्ड प्रोसेस है। और आप जो लोग खुश हो रहे थे ना कि बस सब लोग जो रेजिडेंशियल वीजा है सब लोग जा सकते हैं, भाई सिर्फ जो लोग आज 5 अगस्त से पहले यानी जिनके 6 महीने जिनके वीजा में 6 महीने हैं या 6 महीने तक हैं वही लोग जा पाएंगे, समझ रहे हो बात को। यानी जो लोग 6 महीने से 1 दिन पहले भी इंडिया पहुंच गए वो भी नहीं जा पाएंगे, समझ गए। तो ये एक मतलब एक दिखाने की बातें, सोचने में जो फर्क आ रहा है, और इसमें भी भाई अपडेट होते जा रहे हैं, उसमें भी 2-3 बातें और मेंशन कर दी गई हैं। बाद में फ्लाइटें स्टार्ट हुई थी तब ये बोला वर्क परमिट वाले आ सकते हैं, फिर बोला जिन्होंने दुबई में वैक्सीन ली है वो लोग आ सकते हैं, अभी आपको ये सारी कंडीशन लागू कर दी है, जी हाँ। आप समझ रहे हैं सरकार इतनी तेज तरार है UAE की सरकार की, आज 2021 चल रहा है ना, UAE की सरकार के माइंड में 2040 का गेम चल रहा है, यानी 20 साल एडवांस हम लोगों से चल रही है भाई। अमेरिका जैसे लोगों को उन्होंने पीछे पछाड़ रखा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आप लोगों को सबको पता है, तो इंडिया तो आपको पता है उनके सामने कुछ है ही नहीं, समझ रहे हो बात को। इसका रीज़न देखिए कितना तेज तरार है, UAE सरकार को पता है कि हमें मेडिकल स्टाफ की सख्त ज़रूरत है, जिसमें कौन है, डॉक्टर्स हैं, टेक्नीशियन हैं, नर्सेज हैं, जो हॉस्पिटल से रिलेटेड जितना भी स्टाफ है उनको ऑफर दे दिया कि आपके टीके नहीं लगे तो भी हम आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि उनकी उनको ज़रूरत है। क्योंकि इसका रीज़न इनको क्यों ऑफर दिया है, आने वाला ऑक्सफोर्ड 2020 आपको पता अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगा, 25 लाख के करीब एवरेज लोग पहुंचेंगे, तो हॉस्पिटल में इन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, आगे करना है ना इनको, इंडियन लोगों को, पाकिस्तानी वर्करों को, आप आगे हो जी, आप इनका ट्रीटमेंट करो, अगर कोरोना केस बढ़ जाते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, इनको ये ऑफर दिया है कि आप बिना टीके आ सकते हो। अगर आपने दोनों डोज नहीं लगवाई है, एक छोड़ दो, दोनों भी नहीं लगवाई है, तो भी आप आ जाओ, हम आपको यहाँ पे वैक्सीनेशन कर देंगे, सब कुछ आपका ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि इनको UAE सरकार को इनकी इन लोगों की खास जरूरत है, इसीलिए ऑफर इन लोगों को दिया गया। उनका दूसरा जो एक्सपो में इनवाइटेड हैं उनको भी बोला कि आप भी आ जाओ, जाने वाले कौन नहीं है, सिर्फ गरीब लोग हैं वो ही नहीं जा पाएंगे, बाकी सब लोग जा पाएंगे, जी हाँ। टिकट की बात कर लेते हैं भाई, टिकट की बुकिंग आपको पता है, टिकट की बुकिंग 7 अगस्त तक का बोला कि भाई 7 अगस्त तक एक्सटेंड की जाती है, उसके बाद में देखा जाएगा। तो लोगों ने आंख बंद करके 8 अगस्त से लेके 12 अगस्त के बीच में बहुत सारे लोगों ने टिकटें करवा ली, जो टिकटें हो गई फुल, जी हाँ। अभी की अगर डेट में देखा जाए तो 5 अगस्त के लेके 8 अगस्त के बीच में टिकटें लोगों को मिल रही हैं, और 8 से लेके 12 अगस्त के बीच में टिकटें फुल हैं, क्योंकि ये टिकटें तो 3 तारीख को अनाउंस हुआ था शाम के टाइम में कि भाई फ्लाइटें स्टार्ट हैं 5 अगस्त से, लेकिन लोगों ने तो पहले से टिकटें बुक करवा रखी थी 8 अगस्त से लेके 12 अगस्त तारीख 13 अगस्त के बीच में। अगर आप दुबई जाते हैं दिल्ली से, जी हाँ, तो एवरेज अगर टिकट की बात करें तो लगभग 22 से 23 हज़ार रुपये की टिकट पड़ रही है, जी हाँ। बॉम्बे से अगर आप जाते हैं भाई दुबई के लिए, तो टिकटें
महंगी है, लगभग 40,000 रुपये बॉम्बे से दिल्ली के लिए फ्लाइटें हैं। जी हाँ, चेन्नई की अगर बात करें तो भी भाई 20,000 के समथिंग आपको टिकट मिल जाएगी चेन्नई कोची से दुबई के लिए। जी हाँ, पाकिस्तान में अगर फ्लाइट की बात करें तो भाई एवरेज 40,000 की टिकट आ रही है पाकिस्तान से दुबई के लिए। जी हाँ, तो ये टिकटों के बारे में आपको समझ में आ गई होगी। बाकायदा सरकार ने एक सर्कुलेशन जारी किया है, वी सरकार ने, कि जो एयरलाइंस हैं उनको जिम्मेदारी दी है कि भाई ये जो प्रोसेस बताया GDRF IC अप्रूवल फलाना डिमका RT-PCR वगैरह सब अप्रूवल होगा, उन्हीं को हम इजाज़त देंगे UAE में घुसने की। उसके बावजूद अगर कोई भी फ्लाइट, कोई एयरलाइंस ऐसे बंदे को बिठा के दुबई लेके आ जाती है तो उसका जो भी अर्जाना खर्जाना जो भी होगा उसके टिकट का पैसा वो फ्लाइट जिम्मेदार होगी। जी हाँ, तो आप समझ रहे हैं कि भाई पूरा सख्ती का माहौल बनेगा, ऐसे लोग नहीं जा सकते। जी हाँ, आपको ये बातें घुस गई होगी दिमाग में, ज़्यादा लोग खुश हो रहे थे ना कि बस अब तो सब लोग चले जाएंगे। हालांकि उम्मीद हम ये करेंगे कि भाई फ़्लाइटें अभी स्टार्ट हो रही हैं, 6 महीने वाले जो जिनके वीज़ा वैलिड हैं वो IC अप्रूवल लेके दुबई पहुंच रहे हैं, जो बहुत सारे इनमें भी भाई बहुत सारे लोग हज़ारों लाखों लोग इनमें मिल जाएंगे जो पिछले 6 महीने के दौरान इंडिया में बैठे हैं, किन्हीं को 4 महीने 5 महीने हो गए बेचारे बैठे हैं, वो तो कम से कम जाएंगे ना, ये अच्छी बात है, वो जाएंगे। और उसके बाद हम उम्मीद करते हैं भाई अगस्त में और भी बहुत सारी लोगों को ढील मिल जाए फ्लाइटों से रिलेटेड, उनके बाद में जिनके वीज़ा एक्सपायर, अब बड़ी प्रॉब्लम है भाई जिनके वीज़ा एक्सपायर हो गए उनका कोई समाधान नहीं हो रहा है। वर्क परमिट की बात कर रहा हूँ, विजिट को तो छोड़ दो आप, अगर आपका वर्क परमिट वीज़ा एक्सपायर हो रहा है तो भाई कंपनी से कॉन्टेक्ट करें कि भाई हमें हमारा वीज़ा एक्सटेंड करवा दो ताकि हम भी दुबई में आ सकें, फ्लाइटें तो स्टार्ट होनी है।